Now, we are going to discuss psychological needs. Uh, we were discussing actually the moral and ethical theories. So, one of them is a very important aspect which manages these moral and ethical values, and this is, these are psychological needs. According to Maslow's theory, basic needs are arranged in a hierarchy of prepotency as follows psychological safety. बिलोंगिंगनेस एंड love, esteem एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन अब देखिए वो ये कहते हैं कि हमारी जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं ये आ, सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स से एडमिनिस्टर होती हैं यानी उसके तहत काम करती हैं अगर हमें भूख लगी आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत गरीब लोग इकट्ठे हैं और खाना पीना आ, उनको मिल रहा है तो वो एक दूसरे के ऊपर झपटना शुरू कर देते हैं छीनना शुरू कर देते हैं कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ मुझे भी मिल जाए तो आपकी जो नीड्स हैं वो मजबूर करती हैं सम आपको गलत करने पर तो वो ये कहते हैं कि अगर हमारी बेसिक नीड्स को मीट किया जाए तो हम गलत रवैयों की तरफ कम आते हैं तो इन्होंने एक हरकी दी है आ, कुछ यानी जो हमारे मोटिव्स हैं हमारी नीड्स हैं वो उनको सेटिस्फाई करने के लिए और ये कि कौन सी नीड्स को हम पहले सेटिस्फाई करें तो बाद में हम दूसरे मोटिवेशनल लेवल्स पर जा सकते हैं जहाँ हम एथिकल और मॉरल बिहेवियर्स को परफॉर्म कर सकें जैसे सबसे पहले वो कहते हैं कि आपकी फ़िज़िकल नीड्स होती हैं अब फिज़िकल नीड्स ये हैं आपके खाना है पीना है आराम है और भूख प्यास जिसको हम कहते हैं ये ज़रूरी है रेस्ट है नींद है ये हमारी ज़रूरत है इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं तो अगर हमें मजबूर किया जाएगा कि हमें भूखा रखा जाए या प्यासा रखा जाए तो हम ज़रूर इरिटेशनल बिहेवियर जो है वो शो करेंगे फिर सेफ्टी है उसके बाद अब सेफ़्टी ये है कि भाई आपकी जान को ख़तरा है या किसी भी तरह की आपको इंसल्ट का ख़तरा है या कोई और ऐसा तो भी आप उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि बाय होक और बाय क्रुक आप अपनी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करें तो आपके मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ बड़ी हद तक डिपेंड करते हैं कि आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट में हो एंड देन सोशल नीड्स वो कहते हैं कि हम चूंकि इंसान हैं और हम एक माशरती बेंग हैं सोशल बींग हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों के बीच में रहें और कोई बिलोंगिंगनेस का एहसास है हम किसी ग्रुप से किसी ख़ानदान से किसी ग्रोह से किसी मुल्क से जगह से ताल्लुक़ रखते हों हम बता सकें कि हम कौन हैं हमारी क्या हैसियत है हम किस से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी की बिलोंगिंगनेस को ख़त्म करेंगे तो भी आप उससे मॉरल या एथिकल वैल्यूज की उम्मीद नहीं रख सकते तो इसका सेटिस्फाई होना भी बहुत ज़रूरी है फिर हमारी सेल्फ इस्टीम है सेल्फ इस्टीम में ये कि हम सबकी एक इज़्ज़त नफ्स है हम सब इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं हमारी कोई हैसियत है ख्वा हम किसी भी मामले में कमतर हों हम डिसेबल हों हम किसी रेस से किसी सेक्ट uh, से ताल्लुक रखते हों हम चाहते हैं हमें तस्लीम किया जाए हम चाहते हैं हमारी अहमियत दूसरे समझें और हमारी इज्जत करें हमारा ख्याल करें हमें कोई जगह दें तो वो ये कहते हैं कि हमें यही वो चीज़ है जो पॉजिटिवली हमारे ऊपर असरअंदाज करती है और नेगेटिवली भी कि अगर मेरी सेल्फ इस्टीम को कोई ख़तरा होगा लोग मेरी इंसल्ट करेंगे या मुझे परेशान करेंगे मुझे कुछ नहीं समझेंगे हकीर समझेंगे तो एक ख़तरनाक जज्बा मेरे अंदर पैदा हो सकता है कि सब मेरे दुश्मन हैं और इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है नुकसान पहुंचाना चाहिए क्योंकि मेरी इज्जत नहीं कर रहे तो मैं भी इनकी इज्जत नहीं करूंगा। दूसरी तरफ ये कि अगर लोग जो हैं वो आपकी इज्जत कर रहे होंगे तो अपनी इज्जत की खातर आप बहुत से अच्छे काम जो हैं वो करेंगे और आखिर में सेल्फ है सेल्फ एक्चुअलेशन ये है कि आप ये सोचते हैं कि अब मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं हो मेरे खिलाफ सारी दुनिया हो जाए कुछ हो जाए लेकिन जो काम मैं अच्छा कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा सो पीपल विध लव बिलोंगिंगनेस एफेक्टिव एंड गिविंग नीड्स इन्वॉल्व ऑल्टरिस्टिक और टूअ सिग्निफिकेंट अदर्स देखिए अगर हमारे अंदर बिलोंगिंगनेस uh, का जज्बा है तो हम ज़रूर ऑल्ट्रिस्टिक होंगे यानी हम दूसरों की मदद करना चाहेंगे और फिर जो मदद करना चाहेंगे उसमें हमारे मुख्तफ रिलेशन हैं सबसे पहले हमारा अपना ख़ानदान है फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं हमारे दोस्त हैं हमारे रिश्तेदार हैं फिर हमारे जानने वाले हैं और इस तरह से रिलेशनशिप की एक चेन है जिसके बारे में हम आने वाले मॉड्यूल्स में आपसे बात करेंगे कि रिश्तों की अहमियत कैसे बनती है बहरहाल हम चूंकि सोशल बीइंग हैं तो हम इन रिश्तों में एक अच्छे मददगार इंसान के तौर पर जीना चाहेंगे और फिर हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर ये भी है ना कि हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है कि अगर दूसरे हमसे कमज़ोर हैं कमतर हैं फिजिकली या फाइनेंशियली या कोई भी उनको मजबूरी है या मसला है तो हमें उनकी मदद करना है देन जैसे हमने प्रीवियस देखा अभी के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो ये है कि अब आपने अपने आप को अचीव कर लिया अपनी सलाहियतों को पा लिया और एक मार्फत की सिचुएशन आ जाती है आपके अंदर और आप समझते हैं कि अब दुनिया का कोई लालच अच्छा या बुरा जो नीचे हमने आपको सारी हायर बताई है वो सब पूरी हो चुकी आपके फिजिकल नीड्स थी या yes, स्टीम थी अब आपको उनकी फ़िक्र भी नहीं फ़र्ज़ करो नहीं भी पूरी हुई तो आपको उनकी फिक्र नहीं आप सिर्फ अब इतना जानते हैं कि चूंकि आपके अंदर सलाहियत है आप एक अच्छे इंसान हैं आपको अच्छा बन के रहना है तो आप अच्छी बातों पे अमल करेंगे और दूसरे लफ्ज़ों में अब आपने अपने आप को पा लिया डॉक्टर इकबाल का जो फ़लसफा ख़ुद ही है आप उसको रिलेट करके सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने ये कहा था कि जिसने अपने आप को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया सो अगर हम ये देखते हैं कि ये हमें डेमोक्रेटिक पीपल शुड बी एबल टू रीज़न एट द हायर स्टेज ऑफ मॉरल जजमेंट तो वो ये कहते हैं कि आप उस वक़्त डेमोक्रेटिक होंगे जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे हो जाएंगे और जब आप अपने आप को पहचान पाएंगे और अब आपको समझ आ जाएगी कि आप माशरे के मुफीद रुकन किस तरह से बन सकते हैं